अत्यंत है अभिनंदन और वंदन करते हैं श्रीमती शकुंतला की रावत का। आगे बढ़ते स्वागत की बेला में प्रणाम शिक्षा समिति विद्यालय परिवार आए हुए अतिथिगण ज्यादा प्यारा रिश्तेदार भाई बंधु मित्रगण कोटपुतली नगर के बड़े बुजुर्ग माता बहने नौजवान बाप बेटा हर्षित है। ये हमारे बीच में चांदी का मुकुट लेकर संरक्षक राम शिक्षा समिति श्री चित्रमर भी सराधना संरक्षक चांदी का मुकुट राजस्थान कैबिनेट मंत्री राजस्थान की श्रेणी मानसूर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक ने आज राजस्थान सरकार में तीन तीन मंत्रालय लेकर आज के बीच में है। आगे सराधना ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय परिवार के डायरेक्टर निदेशक रमेश जी सराधना शोर उठाकर हमारे आदरणीय श्रीमती शकुंतला जी रावत का विधायक स्वागत कर रहे हैं, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। हसमुख व्यक्तित्व की ध्वनि प्रधान श्रीमती सुमन जी यादव जिनका शोर उठाकर वंदन और अभिनंदन किया जा रहा है कोटपुतली नगर में। प्रिंसिपल श्रीमती अनिता जी सराधना प्रिंसिपल राम शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो राजस्थान में एक नाम रखते हैं मेहनत के बल पे होनहार बच्चों को तैयार करके राजस्थान में नाम कमाया है श्रीमती अनिता सराधना प्रिंसिपल राम शिक्षा समिति प्रधान का बंधन अभिनंदन। कार्यकर्ता नाम तुरंत बताते हैं। श्रीमती अनिता सराधना ने अभिनंदन किया है हमारे पूर्व विधायक जी श्री रामचंद्र जी रावत पूर्व विधायक विद्यालय परिवार की बहन जी तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर वंदन कर रहे हैं शिक्षकों का। श्री रामचंद्र जी रावत पूर्व विधायक को पुत्री हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमती शकुंतला जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। श्रीमान हमारे बीच में हरिराम जी रावत शिक्षा जगत के महान शिक्षा विद हैं। हरिराम जी रावत राजस्थान में अनुमान की संस्था भेंट करेंगे हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमती शकुंतला जी रावत के संस्था। हमारे बीच में कोटपुतली पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि इंद्राजी रावत जिनका वंदन अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। श्री मोतीराम जी डायरेक्टर साहब मैनेजर साहब विनायक अस्पताल कोटपुतली के डायरेक्टर मोतीराम जी प्रधान जी का वंदन करने के लिए आ रहे हैं। और
धन्यवाद सभी सम्मानित आज राम शिक्षा समिति की ओर से अब जिसका नाम ही राम तो बचेगा नहीं उस मेरे संस्कृत अब जिसका नाम राम है तो पीछे बचेगा ही क्या उस पीछे तो रहता ही नहीं यह सारी दुनिया ही राम के पीछे चल रही है तो ये सारे तुम सारे लेंगे तो कुछ नहीं हम राम का दर्शन करें तुम इतनी रोना से तब तक हम चले राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय सभी समस्त सीनियर नेताओं ने जो मेरे पे ये विश्वास जताया और जो जिम्मेदारी दी है ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाने का प्रयास करूँगी पर ये मान और ये सम्मान सब आपकी मेहनत का फल है मेरे वांछित की जनता और आप सब मेरे चुनाव में ऐसे मेहनत करते हैं जैसे खुद का चुनाव हो क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव में किस तरह से क्या क्या पड़ंगेबाजी होते हैं लेकिन रही से तो मेरी अखबार में पहले से मैडम कैबिनेट मंत्री हम सब नीचे के पायदान में उतारा भी जल्दी क्या बात अरे बच करो जो मुझे जिम्मेदारी दी है मेरे पे विश्वास जताया इस विभाग को लेकर के बहुत बड़ा विभाग है अच्छे से अच्छा मैं काम करने का पूरा प्रयास करूंगी और जैसा पूछा गया अभी रामचंद्र जी के मन में दोबारा कुछ पूरी होगी वही फोर्ट मुस्लिम जिलों बना और हुआ करोगी मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके यहाँ से मंत्री हैं सम्माननीय राजेंद्र यादव जी वो भी बहुत प्रयास रहते हैं उन्होंने पिछले बजट में भी बहुत प्रयास किया था और हम सब लोग मिलकर के चाहे बलजीत भाई हो और मंत्री महोदय पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भाई आपकी उम्मीद और आस पूरी करेंगे मंत्री महोदय राजेंद्र यादव मैं तो सहयोग करूंगी बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा आप तो मैडम 1-11 हो गए बिल्कुल बिल्कुल अकेले ही थे नहीं मैं पहले भी साथ थी ना पहले मंत्री दो दो मंत्री हो गए ना हमारे बानसूर की जनता और सारे कोटपुतली बैरोल सारे आसपास के जयविराट नगर सभी की भावना मेरे प्रति जो रहती है दुआ और आशीर्वाद की क्योंकि ये जो मुझे पद मिला सब आपका आशीर्वाद दुआ मुख्यमंत्री महोदय का विश्वास मेरे ऊपर है तो मैं जो अभी कहा कि तुम क्या करोगे उद्योग के क्षेत्र में तो महिला और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास रहेगा और कहीं भी आपको मेरी तरफ से कोई एक पॉइंट भी कभी जीवन में शिकायत नहीं आने दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ काम हो मेरी कोई ऐसी कोई तमन्ना नहीं है क्योंकि मैं तो करोड़पति हूँ मेरे साथ तुम सारे हो जिसके साथ जनता है वो ज्यादा करोड़पति है मैं पैसे नहीं तो कम निकली हूँ अखबार में वैसे तो कम नहीं हूँ मेरे साथ देख कितनी लाखों जनता है जो जिसके साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद होता है मैं तो मानती हूँ वो ज्यादा किस्मत वाला आदमी है सरकार की जो योजनाएं हैं चाहे बिजली के बिल पे 1,000 रुपए महीना कम करना हो वृद्धावस्था पेंशन हो बोना पेंशन हो चाहे ये चिरंजीवी योजना हो निरोगी राजस्थान हो पहले गरीब से गरीब आदमी के जो ऑपरेशन के 5-7 लाख रुपए में होता था आज वो फ्री में हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बड़ी योजना है नहीं नरेगा अगर नहीं होती कांग्रेस पार्टी की योजना नहीं होती तो पूरे भारत देश में कोरोना में क्या हो जाता सब भूखे मरने की नौबत आ जाती गांव में सब उसी से रोजी और रोटी चल रही थी ये सारी योजना कांग्रेस पार्टी की योजना है जो जिम्मेदारी दी है आपको भी कभी भी कोई ऐसा कार्य की कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि आपकी गर्दन नीचे झुके हमेशा आपका मान और सम्मान ऊंचा रहे
धन्यवाद राम राम बहुत बढ़िया बोल देगा भाई। पूरा विद्यालय की तरफ से स्वागत और सम्मान राम विद्यालय परिवार की तरफ से मंत्री जी का और सभी जो भी महानुभाव आए हैं पधारे हैं उन सब का स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि कोटपुतली को जिला बनाने में मंत्री जी हमारा पूरा सहयोग करेंगे।